समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान लेकर चलना चाहती है। औपचारिक तौर पर वो INDIA गठबंधन का हिस्सा बनी, लेकिन कांग्रेस के साथ उसके जो रिश्तों में खटास आई, तनाव आया और तमाम ऐसे मसले आए जिसमें दोनों दल आमने सामने आ गए और दोनों दलों के नेताओं के बीच में बाकायदा तूतू में हो गई, उसके बाद से शायद अखिलेश यादव और ज्यादा सतर्क हो गए और उन्होंने अब INDIA में गठबंधन है, ठीक है, उसमें शामिल है वो चीज एक जगह, लेकिन उन्होंने अपनी एक नई राजनीतिक पहचान, एक नया राजनीतिक दर्शन, एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू कर दी और वो नया नैरेटिव है PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये उसकी व्याख्या है PDA की, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, यानी मुसलमान। आज इसकी औपचारिक मुनादी खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं सड़क पर उतरकर। लखनऊ में आज एक यात्रा निकाल रही है समाजवादी पार्टी, PDA रैली, और उस PDA रैली का आरंभ उसमें उसका आगाज खुद अखिलेश यादव करेंगे, खुद सड़क पर उतरेंगे, साइकिल चलाएंगे, साइकिल रैली है। अब ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है समाजवादी पार्टी के लिए और INDIA के लिए। स्वाभाविक है अखिलेश यादव को लग रहा होगा कि जरूरी नहीं INDIA के साथ रिश्ता चल पाए, ये भी जरूरी नहीं कि INDIA से कोई सपा को लाभ हो, क्योंकि गठबंधन को लेकर सपा का भाग्य कभी बहुत अच्छा नहीं रहा है। मान जान लीजिए मुलायम सिंह ने गठबंधन किया था कांशीराम के साथ, जब एक विवादित नारा हवा में उछला था, मिले मुलायम कांशीराम, मैं उसके आगे की पंक्ति नहीं कहूंगा। सरकार तो बनी, कुछ समय चली भी, लेकिन मुलायम सिंह यादव को अपने जीवन में कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा था जितना उस सरकार के समय होना पड़ा जब वो उस गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे, सपा बसपा सरकार में। कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव को अपमानित करने का ऐसा अभियान छेड़ा था कि देखने वाले त्राहि त्राहि कर रहे थे, मुलायम सिंह तो झेल रहे थे, उनकी स्थिति तो आप देख जानी। फिर वो कितने गंदे ढंग से गठबंधन टूटा, गेस्ट हाउस कांड हुआ, मुकदमा हुआ, फिर दूसरा गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हुआ अखिलेश यादव के रिजीम में, दो लड़के, यूपी के दो लड़के, राहुल अखिलेश, वो भी तूतू में गया, एक राई रत्ती का फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ, इकन्नी का फायदा नहीं हुआ। फिर तीसरा गठबंधन अखिलेश यादव कई समय में हुआ पार्टी का, मायावती जी की पार्टी की अगुवाई में बसपा से लोकसभा में 2019 में, उसमें भी समाजवादी पार्टी को न इंच में फायदा हुआ, न फुट में फायदा हुआ, न गज में फायदा हुआ। हाथी वाली पार्टी का जरूर हुआ, उनके लोकसभा में 0 सदस्य थे, वो 10 हो गए। अखिलेश यादव की पार्टी के 5 सदस्य थे, 5 ही रहे, न एक कम हुआ न एक ज्यादा। तो गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव का और उनकी पार्टी का भाग्य चक्र अच्छा नहीं है। उन्होंने 3 बड़े प्रयोग किए हैं समाजवादी पार्टी ने अब तक की अपनी जीवन यात्रा में, और तीनों में उसके हाथ कुछ नहीं आया। तो क्या सपा अब सोच रही है कि नहीं, एक अपना राजनीतिक दर्शन लेकर चलो, एक अपनी राजनीतिक गोलबंदी समाज में पैदा करो ताकि हमारे पास वोट का विस्तार हो। PDA उसी की कल्पना है, ये साकार होगी नहीं होगी, क्योंकि देखिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, दूसरे नजर से देखिए तो मायावती और अखिलेश यादव के बीच में जब अलायंस हुआ था तो वो एक तरीके का PDA ही था, पूरा के पूरा नहीं, पिछड़ा अखिलेश यादव, दलित मायावती, और ये दोनों एक साथ आ गए तो अल्पसंख्यक आ गया, PDA नहीं था। लेकिन तब क्या हुआ, उस तथा कथित PDA से बसपा को लाभ, सीटें 10 गुना हो गई, सपा की जहां की वहां नहीं। इसलिए अब अकेले दम PDA साधना चाहते हैं अखिलेश यादव, किसी के साथ नहीं।
उनकी कोशिश है, जिसके लिए आज वो सड़क पर निकल रहे दोपहर 12 बजे अखिलेश, वो कोशिश ये है कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान उनके साथ आए, उनकी पार्टी के साथ आए, साइकिल के चुनाव चिन्ह पर आए। INDIA पर नहीं, किसी गठबंधन में, किसी युति में नहीं, साइकिल पर बैठे ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश को लगता है कि जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वो इतना ताकतवर हो जाएंगे कि फिर कोई भी गठबंधन उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी गठबंधन उनकी बात को अनसुना नहीं कर पाएगा। वो कुछ कहेंगे तो वो निर्णायक होगा, उसका एक वजन होगा। अब होगा नहीं होगा, ये PDA का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने दिया है, इसका इम्तिहान तो INDIA के साथ ही उनको करना होगा। अभी अलग बात है कि कोई ऐसी घटना हो जाए कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर ही आ जाए, या इंडिया गठबंधन ही ऐसी परिस्थिति में, कांग्रेस ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दे कि समाजवादी पार्टी को इतना कॉर्नर कर दे कि सपा के पास अपनी साइकिल बाहर ले जाने के अलावा कोई विकल्प ना बचे। अन्यथा तो ये गठबंधन ही जाएगा लोकसभा के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, RLD और सपा, यही है इंडिया विपक्षी गठबंधन। अब इसमें PDA का रोल क्या रहेगा, कैसा रहेगा, अखिलेश यादव इन तीनों वर्ग में अपनी कितनी विश्वसनीयता स्थापित कर पाते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि 2022 के चुनाव में अल्पसंख्यकों ने और पिछड़ों ने भी एक बड़ी सीमा तक समाजवादी पार्टी को भरपूर वोट दिया था। अल्पसंख्यकों के वोट का आलम यह था कि एक आंकड़ा कहता है कि 85% वोट जो मुस्लिमों का वोट कास्ट हुआ, उसका 85% हिस्सा 2022 के विधानसभा चुनाव में अकेले अखिलेश यादव को गया, उनकी पार्टी को गया। ये इतना बड़ा हिस्सा था जो कभी मुलायम सिंह को भी नहीं मिला, एक मुश्त इतना। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव सरकार बनाने से बहुत दूर रह गए और भारतीय जनता पार्टी को उनके गठबंधन से लगभग दूनी सीटें प्राप्त हुई विधानसभा के चुनाव में। वहां से मन टूटा है, वहां से मनोबल टूटा है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले वर्ग का। उनको लगा कि इतना जोर लगाने के बाद भी अगर सरकार नहीं बना सकते तो फिर कब सरकार बना सकते। और 24 की लड़ाई में जब समाजवादी पार्टी जाएगी अखिलेश यादव की लीडरशिप में, तो ये सवाल गली मोहल्ले चौराहे खेत खलियान तक शोर करेगा कि भाई अखिलेश यादव को 4 सीट ज्यादा भी जिता दे तो क्या होगा, सरकार तो बन नहीं जाएगी इनकी। ये प्रश्न, प्रधानमंत्री तो बन नहीं जाएंगे, ये प्रश्न। आपका वोटर आपको वोट करता है इसलिए, उसका मुख्य कारण ये होता है कि आप सरकार बनाएं, और सरकार बनाएं तो उसको ताकत मिले, आपके वोटर को उसका भला हो, उसको लाभ मिले, उसको प्राथमिकता मिले, उसका जलवा जलाल रहे। और जब आपके वोटर को लगता है कि ना भाई कोई भी मौसम आ जाए इनकी सरकार नहीं बननी, तो वो कहता फिर वोट इनको देने से क्या लाभ। बड़े राजनीति शास्त्र के बड़े व्याख्याता भले इसको ना माने, लेकिन जमीन पर काम करने वाले लोग इस सच्चाई से परिचित हैं। आप किसी मोहल्ले में जाइए, चाय की दुकान पर खड़े हो जाइए चौराहे पर, वहाँ चर्चा करिए तो आदमी का भैया आदमी अच्छे लेकिन उनको जिताने से कोई फायदा नहीं, उनकी पार्टी सरकार में आएगी नहीं, ये चर्चा रहती है। ये एक वोट देते समय ये एक डिसाइसिव फैक्टर होता है कि क्या आप सरकार बना सकते हैं। वो बहुत रेयर होता है कि किसी उम्मीदवार का इतना व्यक्तिगत प्रभाव हो कि जनता कहे कि नहीं सरकार बने नहीं बने कुछ हो, ये आदमी इतना हीरा है कि इसे तो हमें विधानसभा में भेजना ही है, लोकसभा में भेजना ही है। अन्यथा ज्यादातर शक्ति बाजार की भी, चंदा देने वालों की भी, समर्थन देने वालों की भी, वोट देने वालों की भी, उन्हीं गठबंधनों दलों के इर्द गिर्द सिमट जाती है जो सरकार बनाने के सबसे नजदीक लगते हैं जनता को, ये जान लीजिए। अब 24 में सबसे बड़ी समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी कुछ भी करके ये तर्क तो नहीं स्थापित कर सकती कि हम भी सरकार बना सकते हैं, ये एक समस्या आएगी।
आईएनडीआईए की अगर सरकार बनती भी है तो सपा की उसमें भूमिका बहुत सीमित होगी ना, ये भी लोग जानते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होगा, जिसमें लोग मानेंगे कि भाई इनकी ही सरकार बन सकती है और यही बनेंगे तो यही अकेले दम सरकार चलाएंगे जैसे चलाई। वहां पर अंतर नजर आएगा जनता को। आप जिस शिविर में है उस शिविर में राजा हैं या दरबारी हैं, इस हैसियत का भी अंतर पड़ता है वोटर की निगाह में। अगर आप राजा हैं अपने शिविर के तो वोटर आपके प्रति ज्यादा आसक्त होता है, और अगर उसको लगता है आप जिस शिविर में बैठे उस शिविर में आपकी भूमिका सिर्फ एक दरबारी की है, राजा कोई और है, या कई राजा हैं, उन राज कई राजाओं में एक राजा आप हैं, साझे के राजा हैं, कई सिंहासन साझे का है, तो उसका असर दूसरा पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच में अखिलेश यादव आज सड़क पर उतर रहे हैं लखनऊ में साइकिल पर, और अखिलेश यादव 2012 में साइकिल पर निकले थे तो सरकार बनी थी। साइकिल यात्रा इस मायने में आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के लिए शुभ भी हो सकती है, लेकिन आज वो पीडीए का झंडा लेकर निकल रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब आने वाले समय में देखना ही होगा कि अखिलेश यादव अपने इस राजनीतिक अभियान को कहाँ तक पहुँचा पाते हैं और इन तीन वोट बैंक को अपने साथ कितनी मजबूती से जोड़कर रख पाते हैं। धन्यवाद।